स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। बात करेंगे आपके प्रॉब्लम को लेकर के। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि मगध यूनिवर्सिटी में जब रिजल्ट जारी हो रहा है तो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इसके सॉल्यूशंस को लेकर के आपके पास ज़रूर आऊँगा, और जब इसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया तो मैं आपके पास इस सॉल्यूशंस को लेकर के आ गया हूँ कि अगर आपका भी पेंडिंग रिजल्ट आया है तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या आपको करना है कि ये पेंडिंग रिजल्ट का प्रॉब्लम ठीक हो जाए। साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपका ही क्यों पेंडिंग रिजल्ट शो कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पेंडिंग रिजल्ट तो शो नहीं कर रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट का रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है सही तरीके से, बट कुछ कैंडिडेट है जिनका पेंडिंग रिजल्ट शो कर रहा है। हालांकि यूनिवर्सिटी पहले ही इतला कर चुकी थी कि ये जो पेंडिंग रिजल्ट का प्रॉब्लम है उसको वो दूसरे नाम से, यानी यूनिवर्सिटी पहले बता चुकी थी, कुछ स्टैंडर्ड नाम दिए अपने लैंग्वेज में कि कथित है किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ, ये यूनिवर्सिटी वालों ने पहले ही कहा था। इसका क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं उस नोटिस को आपको दिखाता हूँ, साथ में समझाता हूँ कि यूनिवर्सिटी वालों ने पहले आपको क्या आगाह किया था, पहले क्या आपको अलर्ट किया था, यानी यूनिवर्सिटी वालों ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। अब क्या किया था चलिए इस नोटिस से ही मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। चलिए देखिए मैं इस नोटिस को पढ़ रहा हूँ, समझिएगा सही तरीके से। ये नोटिस जारी होता है 25 जनवरी को जब नोटिस जारी होता है, क्योंकि उस दिन से आपका रिजल्ट का शुरुआत होता था। तो इसमें क्लियरली क्या बताया गया था, इसमें देखिए बताया गया था कि मगध विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो ये जो आपका साइट पर रिजल्ट आने वाला था, लेकिन इसके बाद के स्टेंजा को सही से पढ़िए, परीक्षा फल में यदि कतिपय आंशिक त्रुटियाँ पाई जाती है, यानी यूनिवर्सिटी वाले पहले जान रहे थे कि ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जरूर आपको होगा, यानी वो जान रहे थे क्योंकि उनके पास किसका प्रॉब्लम है, डाटा का प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग का कारण क्या है, उनका डाटा मिसमैच हो गया, डाटा में प्रॉब्लम हो गया, तो इसी के कारण उनको क्या रिजल्ट है, उनका रिजल्ट आंशिक है। तो आंशिक का यही मतलब होता है कि डाटा में मिसमैच है। तो ये तो आप कारण अभी आप स्पष्ट मैं कर भी देता हूँ, लेकिन चलिए पहले पूरी स्टेंजा को पढ़ देते हैं। तो परीक्षा फल में यदि कतिपय आंशिक त्रुटियाँ पाई जाती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए खेद व्यक्त करती है। तो जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग आया है उनके लिए समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी वाले खेद व्यक्त कर रहे हैं, आपको क्या करना है आगे समझिए। साथ में आश्वस्त करती है कि उन खामियों से संबंधित सूचना प्राप्ति के बाद, यानी क्या किया जाएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ है, जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ उसको क्या किया गया, खामियां, यानी अगर आपके रिजल्ट में किसी भी प्रकार की खामियां होती है तो संबंधित सूचना प्राप्ति के बाद, यानी सूचना प्राप्ति के पश्चात, यानी आपको क्या देना है, सूचना देना है यूनिवर्सिटी को कि मेरा रिजल्ट क्या है, पेंडिंग है, उसे दूर किया जाएगा। यानी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन भी इसी में है, प्रॉब्लम भी इसी में है, सब कुछ इसी नोटिस में पहले बताया गया था। नहीं तो आप विश्वास मानिए कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं जो पहले ही बता देती है कि आज मैं रिजल्ट लाऊंगा और मेरे रिजल्ट में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ये एक सिंगल यूनिवर्सिटी है जो मगध यूनिवर्सिटी अपने रिजल्ट लाने के कुछ घंटे पहले ही इस नोटिस को जारी की और क्लियरली बता दिया स्टूडेंट्स को कि यदि रिजल्ट में आपको कुछ आंशिक प्रॉब्लम पाया जाता है, अगर मतलब परीक्षा फल में यदि कतिपय आंशिक का मतलब कुछ स्टूडेंट्स में, ऐसा नहीं कि टोटल में, कुछ स्टूडेंट्स में अगर ये प्रॉब्लम पाया जाता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए पहले ही आपसे खेद व्यक्त करती है, यानी कह सकते हैं कि असुविधा में क्या है वो खेद पहले ही व्यक्त कर दिया आपको। तो आपको क्या करना है, इन खामियों को लेकर के आपको क्या करना है, सूचना देना है किसको, यूनिवर्सिटी को। तो इस वीडियो में जो पेंडिंग रिजल्ट का सॉल्यूशन है वो क्या है कि आपको सूचना देना है यूनिवर्सिटी को कि मेरा रिजल्ट क्या हो गया है, पेंडिंग हो गया है। अब आपका रिजल्ट पेंडिंग किस लिए हुआ है, तो उसका कारण है डाटा मिसमैच, यानी क्योंकि आप जानते हैं ये एग्जाम आपको हुआ 2020 में, रिजल्ट आ रहा है 2023 में, इतने टाइम तक डाटा को संभाल करके रखना कहीं ना कहीं मिसमैच के भी सवाल की क्या होती है, सवाल खड़ी होती है। तो इतना लंबा टाइम हो गया, तो लंबा टाइम में डाटा में भी बहुत सबका तो नहीं लेकिन बहुत कुछ का ऐसा होगा जो डाटा इधर से उधर हो गया होगा। तो वैसे सिचुएशन में क्योंकि रिजल्ट निकालने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, परीक्षा कमेटी मेंबर 19 जनवरी को डिसाइड करती है और 6 से 7 दिनों में रिजल्ट निकाल देती है एक सप्ताह में, तो यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी ये क्या था, चैलेंज का काम था। तो इस चैलेंज के काम में लाजमी सी बात है कि जब कोई भी काम को तेजी से किया जाए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती है, और इसी गड़बड़ियां को लेकर के यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पहले ही नोटिस को जारी कर दिया गया था। तो आपका डाटा कुछ मिसमैच हुआ है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए आगे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी आज के इसी वीडियो में बता दूंगा। प्रॉब्लम तो आप समझ गए होंगे, प्रॉब्लम क्यों हुआ है, तो आपका डाटा मिसमैच क्या होगा, कुछ ना कुछ डाटा इधर उधर हुआ होगा जिसके कारण से आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि सब कैंडिडेट का जो मार्क्स जब टीचर्स ने कॉपी को चेक किया होगा, जब प्रोफेसर्स ने कॉपी को चेक किया होगा, तो वो क्या देते हैं, एक नंबर बुकलेट होता है उनके पास, इस तरीके से यहाँ रोल नंबर होता है, यहाँ होता है सिक्योरिंग मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स भर के दिया गया होगा, लेकिन किसी का डाटा इधर से उधर हो गया होगा कंप्यूटर चढ़ाने के टाइम में, तो उनका रिजल्ट पेंडिंग हो गया होगा, क्योंकि इतना डाटा को एक जगह कलेक्ट करना वो भी एक चैलेंजिंग काम होता है। तो डाटा मिसमैच के कारण आपके साथ प्रॉब्लम हुआ है, पेंडिंग रिजल्ट का सॉल्यूशन क्या है आगे बनिए वीडियो में, मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट
किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको जो टाइम मिल सके। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का आपका कमेंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स भी कर सकते हैं, और अगर आपको फर्दर कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए समझिए इसके प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम का मेन सोल्यूशन क्या है कि आपको क्या देना है, विश्वविद्यालय को सूचना देना है। तो सूचना कब दीजिएगा? अभी यहाँ से दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, या तो अगर हम लोग अपना माइंड लगाते हैं तो माइंड के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, यूनिवर्सिटी के इस नोटिस के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, यूनिवर्सिटी वालों को इन्फॉर्म करना है कि मेरे रिजल्ट में क्या हो गया, पेंडिंग का प्रॉब्लम हो गया। तो ये जो आपका इन्फॉर्म करना है, ये कैसे करना है, ये तो मैं अभी फिलहाल मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। लेकिन मैक्सिमम आसार है कि जब बहुत सारे कैंडिडेट के डाटा में मिसमैच हुआ होगा तो यूनिवर्सिटी एक नोटिस फिर से लाएगी। कब लाएगी? लगभग फरवरी के स्टार्टिंग में, 1 या 2 फरवरी के आसपास जरूर नोटिस लाएगी। और उस नोटिस में वो बाकायदा अगर कर सकते कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट को अगर ये प्रॉब्लम हुआ होगा तो यूनिवर्सिटी वाले खुद आएंगे सामने और खुद वो लाएंगे एक और नोटिस, एक और सूचना लाएंगे और बताएंगे कि जिनका पेंडिंग रिजल्ट है उनके रिजल्ट को फिर से जारी किया जाएगा 10 दिनों बाद 5 दिनों बाद। इस तरीके से यूनिवर्सिटी वाले जरूर बताएंगे, या बताएंगे कि आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कीजिए, या बताएंगे यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कीजिए। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन आएगा। लेकिन कब ये काम होगा? जब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होगा तब। लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ तो यूनिवर्सिटी वालों को पता कैसे चलेगा? जब यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स इन्फॉर्म करेंगे। तो इन्फॉर्म करने के बारे में कैसे इन्फॉर्म करना, यह मैं आपको बता दे रहा हूं। एक्चुअली में यही इसका सॉल्यूशन भी है जो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन एक्चुअली मुझे भी ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को या बहुत कम कैंडिडेट को है। अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को रहेगा तो मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो ब्रॉडली कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी वाले इस पर कुछ कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्शन ले, मतलब कुछ तात्क्षण एक्शन ले आपके लिए। लेकिन अगर ये कुछ माइनर अगर कह सकते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी वाले इस पर थोड़ा सा धीरे से भी रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि ये क्या आपके साथ भी प्रॉब्लम हुआ है या आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है। उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड कर लूँगा कि कितना प्रॉब्लम हुआ, या फिर कह सकते हैं कि मैं एक पॉल भी मैं आपको क्या कह सकता हूँ, मैं समझिए कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन मैं जारी करूंगा। आप YouTube पे जाकर के उसमें जरूर आप अपना मत दीजिएगा, आप अपना एडवाइस दीजिएगा कि क्या उसमें आपका रिजल्ट को लेकर के प्रॉब्लम हुआ है या आपके रिजल्ट को लेकर के प्रॉब्लम हुआ है या नहीं हुआ। यस या नो में आप आंसर कीजिएगा, उसी से मैं समझ जाऊंगा कि मेजर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके सॉल्यूशंस के लिए क्या करना है, मगध यूनिवर्सिटी के साथ आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो ये चूंकि आपको सूचना देना है यूनिवर्सिटी को कि आपका रिजल्ट पेंडिंग हुआ है, तो ये आप सूचना दो तरीके से फिलहाल में दे सकते हैं। पहला सूचना, अगर आप ऑफलाइन में विजिट करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के कार्यालय से विजिट किए, कौन से ऑफिस है, डीन ऑफिस में, और डीन ऑफिस में लिखित लेटर लिख करके दीजिए कि टू द स्टूडेंट्स डीन वेलफेयर मगध यूनिवर्सिटी एंड सब्जेक्ट क्या देना है रिगार्डिंग पेंडिंग रिजल्ट। और यहाँ सब फिर लिखिएगा सर आई, अपना पूरा डिटेल मेंशन कीजिए और बताइएगा कि आपका रिजल्ट पेंडिंग हो गया है। साथ में जो आपका पेंडिंग रिजल्ट आया है उसका प्रिंटआउट निकाल करके उस लेटर के साथ सबमिट कर दीजिएगा। ये तो हो गया पहला सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? ऑफलाइन सॉल्यूशन। दूसरी सॉल्यूशन में ऑनलाइन सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा कि घर बैठे अगर आप नहीं जा सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी के कार्यालय तो घर बैठे इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अगर मैं घर बैठे सॉल्यूशंस के बारे में बात करूं तो आपको ध्यान होगा मगध यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल साइट है उस पर एक आपको ईमेल आईडी मिलता होगा। वो ईमेल आईडी क्या है, इसका हेल्प एनेबल है, यानी यहाँ से आपको हेल्प मिलता है। साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी, जनरली ये कॉन्टैक्ट नंबर लगता नहीं है बट फिर भी एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल लगता है तो आप इस पर कॉल करके सारे अपने प्रॉब्लम्स को बताइएगा, आप अपना रोल नंबर को बताइएगा और वो क्या करेंगे, रिजल्ट को ठीक करेंगे। हालांकि बहुत कम चांसेस है कि ये कॉल नंबर पर कॉन्टैक्ट हो, बट ये जो ईमेल आईडी है इस पर 100% कॉन्टैक्ट होता है। मैं पहले भी कॉन्टैक्ट कर चुका हूँ और आप भी कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम इसके जरिए से ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एक मेल लिखना है किसको, magad@helpenable.com। आपको इस पर आकर के एक ईमेल लिखना है और ईमेल में मेंशन करना है अपना सारा डिटेल, आपका नेम क्या है, आपका कॉलेज क्या, अपने सारा कंप्लीट डिटेल, आपका रोल नंबर क्या है, आपने एग्जाम क्या दिया था, आपका फैकल्टी क्या है, साथ में जो आपका पेंडिंग रिजल्ट आ रहा है उसको क्या करना है, साथ में यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो आपको मेल लिखने आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं पता है, बट मैक्सिमम चांसेस है कि आपको मेल लिखने ही आता होगा, बट सारे कैंडिडेट को मेल लिखने नहीं भी आता होगा। बट मैं आपको आज की इसी वीडियो में मेल भी लिखने के लिए बता देता हूं कि आपको मेल कैसे लिखना है और क्या कंटेंट उसमें डिस्कस करना है, ताकि अगर आपका पेंडिंग रिजल्ट हो तो वो पेंडिंग रिजल्ट का प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या करते हैं, आपका ठीक करते हैं। तो चलते हैं मेल बॉक्स पे और लिखते हैं इस ईमेल आईडी पर एक हम लोग मेल लिखते हैं मगध यूनिवर्सिटी को। तो क्या कीजिएगा, सिंपली आप अपने मेल बॉक्स पे आ जाइएगा। मेल बॉक्स पे जैसे ही आते हैं तो आपको मिलता है कंपोज का ऑप्शन, आप क्या कीजिएगा इसके जरिए से कंपोज कीजिएगा एक मेल, और मेल पे आने के बाद यहां कीजिएगा फ्रॉम। फ्रॉम में आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखा देगा। टू में आप टाइप कीजिएगा magad@helpenable.com, जैसा कि भी मैंने आपको ईमेल दिखाया था, magad@helpenable.com आप इसमें टाइप कीजिएगा। टाइप करने के बाद आप यहां पे क्या कीजिएगा, मैटर को लिखिएगा, जो भी रहे ईमेल आईडी आप इसको लिख दीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से आप टाइप कर दीजिएगा क्या कि magad@helpenable.com। इसके बाद टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे सब्जेक्ट में मेंशन कीजिएगा, सब्जेक्ट में टाइप कीजिएगा रिगार्डिंग पेंडिंग रिजल्ट, और लिख दीजिएगा कौन सा रिजल्ट है, रिगार्डिंग पेंडिंग
बीएससी रिजल्ट, बीएससी पार्ट टू रिजल्ट, या फिर बीए पार्ट टू रिजल्ट, या फिर बीकॉम पार्ट टू रिजल्ट, जो भी रिजल्ट में आपको पेंडिंग आप लिख दीजिएगा। और कंपोज मेल यहाँ जो रहता है इसमें आप टाइप क्या कीजिएगा, इसमें आप टाइप कीजिएगा अपना नेम, अपना कॉलेज, आप कौन से कॉलेज से पास आउट हुए, मतलब कौन से कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, इसके बाद आपका सेशन क्या है, इसके बाद आपका एग्जाम का रोल नंबर क्या है, इसके बाद आपका फैकल्टी क्या है, मतलब आर्ट्स से है, साइंस से है, किससे है, इसके बाद अपने एग्जाम का ईयर, एग्जाम कौन से टाइम में दिए थे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, अपना मोबाइल नंबर, अपना ई मेल आई डी, और साथ में अपना क्या कर दीजिएगा, अपना जो आपका जो पेंडिंग रिजल्ट वाला जो रिजल्ट है उसको क्या कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। तो अपलोड करने के लिए यहाँ वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा अटैच फाइल का, क्या कीजिएगा अटैच फाइल करके अपलोड कर दीजिएगा और क्या कीजिएगा इसे सेंड कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेंड कीजिएगा फिर आपके रिजल्ट का जो टाइमिंग है मे भी कह सकते हैं कि 2 से 3 दिनों में आपका रिजल्ट क्या कर दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। हालांकि ये सॉल्यूशन कितना कारगर होता है वो तो आप करते हैं तभी आपको पता चल जाएगा। बाकी अगर फिर भी अगर आपका प्रॉब्लम ये ठीक नहीं होगा तो आगे आने वाले टाइम में अगर आप डिटेल्स को बताते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हुआ तो फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे इसके अगेंस्ट भी सवाल खड़े होंगे और फिर यूनिवर्सिटी सामने आकर के इसके सॉल्यूशंस को भी जरूर बताएगी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।